जाने क्या जो ताकत दी है। सोचा जब सड़कों पे नहीं सुना जाएगा, वो अंतिम ताकत आपकी बहन के पास है कि सदन में आवाज गूंजेगी। अध्यक्ष महोदय जी को लिख कर दिया मैंने, कैंट एम्बुलेंस हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला हो, मुफ्त इलाज, मुफ्त जांच, मुफ्त दवाओं का वायदा है मेरी सरकार का। मैं मेरी सरकार कहूँ, अपने आप को भी उसे मैं शामिल करूंगी अगर आपकी कोई शिकायतें हैं, क्योंकि अभी तक मैंने ना आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है और ना मैंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है। क्योंकि लोगों का कहना है आप विधायकी से इस्तीफा देंगी क्यों, हमारे एक वोट से चुनकर आप आए हैं और आपको 5 साल के नारे के साथ चुनकर भेजा है, आप यूं नहीं जाएंगी। ये कौन तय करेगा कि अलका लांबा विधायक से इस्तीफा दे या ना दे? ये पार्टी केजरीवाल नहीं, मेरी जनता ने कहा हम तय करेंगे। इस्तीफा देती थी तो अभी जो विधानसभा सत्र गया है उसमें आपकी आवाज को बुलंद ना कर पाती। लेकिन दुख की बात है, जैसे मेरे भाई लाखा जी ने कहा, धरना, प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीकों से बिना हिंसा का साथ लिए, रामलीला मैदान याद करिए, अन्ना आंदोलन याद करिए, वहां से यहां तक सत्ता तक पहुंचे हम लोग, और आज आप लोग जब बैठे हैं तो हम कैसे गूंगे बहरे हो गए मुझे समझ नहीं आता है। चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री, हमारे श्रम मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये है यहाँ पर बैठे हुए, एलजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 3 महीनों से मेहनताना आपका नहीं मिल रहा है, इतनी महंगाई में 1 महीने की तनख्वाह रुक जाए तो घर परिवार कैसे चलते हैं गरीब आम आदमी के, ये समझ सकते हैं। आपका तो 3 महीने का मेहनताना आपको नहीं मिला है, इसको कौन नजायज ठहराएगा अगर आप इसकी मांग उठाते हैं, मेरी समझ से परे है। अगर मैं मुख्यमंत्री की जगह होती, मैंने किसी ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट किया और वो अन्याय करता है आपके साथ, आपका मेहनताना लेकर भाग जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस निजी कंपनी की, उस ठेकेदार की, या दिल्ली में बैठी उस सरकार की जिन्होंने उनको ठेका दिया है और इन्हें ये करके भागने पड़ता है। मुख्यमंत्री जी, मैं अगर आपकी जगह होती तो सबसे पहला काम करती कि आपकी 3 महीने की तनख्वाह जो रुकी हुई है उसे तुरंत आपके बैंकों में डालती। बिना किसी शर्त के डालती कि आप पर धरना खत्म करिए तब मैं आपकी रुकी तनख्वाह दूंगा। नहीं, कोई शर्त नहीं होती, सबसे पहले आपका मेहनताना आपके बैंक में पहुंचता। दूसरा काम क्या करती,